गुड इवनिंग दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। सो फोर्थ लॉकडाउन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है एंड ये लॉकडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बट क्या करें, फिल्में देखना तो बनता है बॉस। नई नई फिल्में आ रही है, नई नई फिल्में मिल रही है, जो पिछले साल भी अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज हुई थी वो अब OTT प्लेटफॉर्म पर आनी शुरू हुई है। सो आज भी आपके लिए एक ऐसी फिल्म लेके आया हूँ मैं। और फिल्म के बारे में बात करने से पहले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। श्रीनी जूप ग्लाइडर इज द चैनल, यू कैन सर्च इट ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, एंड कमेंट करें नीचे आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो चलते हैं इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए। आज के फिल्म का नाम है अर्थक्वेक बर्ड, 2019 का रिलीज है, 1 घंटा 47 मिनट की फिल्म है। इट्स अ क्राइम ड्रामा मिस्ट्री फिल्म, कुछ अलग है इस बार। 15 नवंबर 2019 का USA रिलीज है। 5.9 आउट ऑफ 10 का IMDb रेटिंग है, जो कि अप्रॉक्स 11,000 लोगों ने इसे रेट किया है, तो काफी लोग इसे देख चुके हैं। फिल्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। फिल्म के दिग्दर्शक है वॉश वेस्टमोरलैंड। स्टार्स है अलिशिया विकांडर, जो टूम रेडर में थी, देन कीकी सुकेजाने, नाओ की कोबायाशी एंड रायली क्यो। नाउ रायली क्यो इज सेड टू बी द ग्रैंड डॉटर ऑफ एल्विस प्रेसली, आई डोंट नो, बट दिस इज व्हाट आई हैव रेड ऑन गूगल। सो टॉकिंग अबाउट द फिल्म, फिल्म क्या है दोस्तों, फिल्म के बारे में एक लाइन में कहूंगा कि इफ यू हैव एनी गिल्ट इन योर लाइफ, इफ यू हैव एनी गिल्ट इन योर माइंड एंड यू आर लिविंग विद दैट गिल्ट, तो आपकी लाइफ कितनी मिजरेबल हो सकती है। दिस फिल्म इज ऑल अबाउट दैट। फिल्म के बारे में जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि फिल्म थोड़ी बहुत हटके होगी, और वैसे ही निकला। फिल्म जापान में बेस्ड है, जहां पर ये लड़की अलिशिया विकेंडर, जो लूसी फ्लाई का एक रोल निभा रही है, शी इज देयर, शी इज वर्किंग एज अ ट्रांसलेटर, एंड वन सडन डे शी इज कॉल्ड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ हर मिसिंग फ्रेंड लिली ब्रिजेस, जो कि उसकी काफी अच्छी दोस्त थी, उसकी रूममेट थी। एंड देन स्लोली फिल्म अनफोल्ड होने लगती है कि हाउ इट इज रिलेटेड टू समवेयर, मे बी अ लव ट्राइंगल और हर बॉयफ्रेंड और हर फ्रेंड एंड एवरीथिंग। द फिल्म गोज ऑन एंड इट टेक्स अस टू अ पर्टिकुलर ट्रिप, जहां पर गिल्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस फिल्म, कि गिल्ट के वजह से आदमी कैसे गलत स्टेप्स उठा सकता है, हमें कैसे गिल्ट में धंसना नहीं चाहिए, ये सब कुछ इस फिल्म में हमें समझ में आता है, और एक काफी हार्ड हिटिंग इम्पैक्ट है इस फिल्म का। टॉकिंग अबाउट द कास्ट, बहुत बढ़िया काम किया है सबने, स्पेशली अलिशिया विकेंडर, शी इज बीन कमिंग अप एज अ फाइन एक्ट्रेस एंड शी इज डूइंग नाइस एंड बेटर प्रोजेक्ट्स एवरी नाउ एंड देन। शी स्टार्टेड विद एक्स मशीना, जो कि एक ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्म थी VFX के लिए, जिसे ऑस्कर था। देन धीरे धीरे वो और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट कर रही है, टूम रीडर एंड नाउ दिस अर्थक्वेक बर्ड। हालांकि इसे 5.9 आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया है, बट आई फाइंड दिस फिल्म वन ऑफ दोज फिल्म जिसे हद से कम रेटिंग दी गई है, और आई थिंक इसे थोड़ी ज्यादा रेटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें जो एक ड्रामा है वो बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। इसमें जो एक मिस्ट्री रखी है एंड तक क्या होगा, वो आपको इट ब्रिंग्स यू टू द एज ऑफ द सीट। फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो फिल्म इज सिचुएटेड इन टोक्यो, 1989 की बात है ये, एंड बहुत ही अपर मिडिल क्लास नहीं कहूंगा, बट मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास टाइप का सेटिंग है। प्रोडक्शन डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा इस फिल्म का, बिकॉज वो एरा, एक तो 1989 यानी कि ऑलमोस्ट 20 साल पहले की बात है टेक्निकली स्पीकिंग, तो वो सब कुछ उन्होंने काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया है, उस टाइम का ड्रेसिंग, उस टाइम के कैमराज एंड एवरीथिंग, सो वो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। देर इज वन कैरेक्टर इन द फिल्म हु इज प्लेइंग अ वेरी पिवोटल कैरेक्टर, विच इज प्लेड बाय नाओमी कोबायाशी, तेजी नाम का कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है, हु इज अ फोटोग्राफर, तो उसके हाथ में जो कैमरा है वो 1989 का है, हालांकि तब DSLRs थे, नो डाउट अबाउट इट, बट ही इज बीन यूजिंग दैट SLR, जो कोडैक 1000 होता था वैसा कोई SLR ही इज यूजिंग, एंड विच फील्स वेरी ऑथेंटिक। इट्स इन टोक्यो, सो इट्स रिलेटेड, जैसे इस फिल्म का नाम है अर्थक्वेक बर्ड, सो इट्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक समवेयर, बट वो कौन से अर्थक्वेक्स की बात मैं कर रहा हूँ ये मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छी लगी मुझे, ब्यूटिफुल शॉर्ट्स अटेकन, मिडल ईस्टर्न सिनेमाटोग्राफी का मुझे थोड़ा सा, यूरोपियन सिनेमाटोग्राफी का मुझे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस लगा, क्योंकि वो
मोबाइल से शॉर्ट्स लिए गए हैं. द ग्रीनरी इज शोन मोर वाइब्रेंटली, यू नो हार्ड हिटिंग शॉर्ट्स नहीं है बट कुछ शॉर्ट्स काफी सिंबलिकली आपको हिट कर जाते हैं. पिक्चर स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, ये बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है यहाँ पर, जो कि एक्चुअली अगर देखे जाएंगे तो हम लोग फिल्म मेकिंग का जो एक प्रिंसिपल है कि डोंट टेल जस्ट शो, वो काफी अच्छे तरीके से इसमें यूज हुआ है, स्पेशली इन द क्लाइमैक्स की क्या हुआ था. डायलॉग्स काफी कम है. सेकेंडली मोस्ट ऑफ द फिल्म देर इज लॉट ऑफ टॉकी हैपनिंग इन जैपनीज आई थिंक सो, सो आपको सबटाइटल्स की जरूरत पड़ेगी अगर आपको वो समझना है, बट सिंस इट्स ऑन नेटफ्लिक्स यू विल बी एबल टू सी द सबटाइटल्स. साउंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है. एक पॉइंट के बाद आपको साउंड डिज़ाइन हिट करने लगता है और आपको अफेक्ट करने लगता है साउंड डिज़ाइन, सो दैट इज़ अ रियली वेरी नाइस थिंग. म्यूजिक एज सच नहीं है, बैकग्राउंड स्कोर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, नेचुरल साउंड्स काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किए गए हैं बैकग्राउंड स्कोर के लिए, विच इज़ अ रियली वेरी नाइस थिंग. विंड का साउंड, ट्रेन चाइम्स, अर्थक्वेक के साउंड्स एंड ऑल दैट स्टफ इज यूज्ड रियली वेरी वेल. फिल्म हैज इट्स ओन लैंग्वेज, ओके, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स द लैंग्वेज गोज ऑन चेंजिंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल द कैरेक्टर ऑफ लूसी फ्लाई, देर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिनेमाटोग्राफी फॉर नात्सुको हुज बीन प्लेड बाय कीकी सुकाजाने, इट्स बीन अ डिफरेंट लैंग्वेज. देन नाओकी कोबायाशी जिन्होंने तेजी मात्सुदा का रोल निभाया है, उनके लिए सिनेमाटोग्राफी फिल्म की लैंग्वेज स्लोली स्टेडीली चेंज होती है, और लिली ब्रिजेस का एक डिफरेंट ही लैंग्वेज. तो चारों कैरेक्टर्स के लिए एक अलग अलग लैंग्वेज सेट की गई है डायरेक्टर के थ्रू, विच इज रियली वेरी नाइस थिंग फॉर मी टू सी कि यू नो कुछ अलग देखने को मिलता है, कोई अच्छा देखने को मिलता है. आई कुडंट फाइंड रियल VFX स्टफ, तो अगर VFX किया गया है तो दैट इज ऑन अ रियली नाइस पार्ट कि हमें समझ में नहीं आता कौन सा VFX क्या किया है. What I loved about the film, the climax. Complexity of the climax is been shown in a really simplistic way. Trust me guys, आपको लगेगा कि ये क्या बड़बड़ा रहा है, how can a complex thing shown in a really simplest way, but yes, entire film में जो एक complexity है, जो एक contradictory है, जो एक confusion है, वो बहुत simply climax में दिखाया गया है, and that is what I have liked about it. Good thing about the film, it gives you a hard hitting experience of why you should not be guilty forever and why you should let go things. Acting, cinematography बहुत बढ़िया लगी मुझे, writing भी मुझे काफी अच्छा लगा. Bad thing अगर मैं कहूंगा इस film के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि शुरुआती half an hour 40 minutes थोड़े से मुझे slow लगे, which may affect the attention of the viewer, because हम इसे OTT पे देख रहे हैं, जब थिएटर में देख रहे हैं तो बात अलग होती है. बाकी मुझे इस फिल्म के बारे में कोई बुरी बात नहीं लगी. मुझे अलीशिया का काम बहुत पसंद आया है, उस बंदी ने बहुत बढ़िया काम किया है. द वे शी हैज शोन द गिल्ट इनसाइड हर, द पैनिक विच क्रिएट्स बिकॉज ऑफ द गिल्ट इज ग्रेट. व्हाट आई हैव लाइक्ड अबाउट द फिल्म इज ऑल्सो दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. दो आप एक तरफ अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्ड करते लगते हो, यू स्टार्ट बिल्डिंग योर एक्सपेक्टेशन, बट वैसा होता नहीं है इस फिल्म में, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फिल्म. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फिल्म फ्रॉम माई साइड. दिस इज श्रीनिवास ग्लाइडर. लेकर आऊंगा दिस फ्राइडे एक और फिल्म, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म या एक एपिसोड. तब तक स्टे होम, स्टे सेफ. प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले नीचे कमेंट बॉक्स में, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें. अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो श्रीनिवास ग्लाइडर, द बबल इज इन द लेफ्ट साइड, प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय.